नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी और दोस्त सोनू शर्मा। आज हमारे 300 से ज्यादा फ्री वीडियोस किसी ना किसी रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। कई भावुक करने वाले मैसेजेस और ईमेल्स जब पढ़ता हूं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि ईश्वर मुझसे ना जाने क्या क्या करवा रहा है। यूट्यूब पर आज हमारा परिवार 10 मिलियन से ज्यादा का हो चुका है। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। साथियों, आज एक बेहद सीरियस विषय पर वीडियो बना रहा हूं, एक ऐसे टॉपिक पर जो हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। पूरे देश में ये दो शब्द सबसे ज्यादा सुने और बोले जाते हैं, अमीर और गरीब। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यह वीडियो अमीर लोगों और गरीब लोगों के बारे में नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनका माइंडसेट बेहद अमीर है, वो लोग बस फाइनेंशियली पुअर हैं बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। और ऐसे भी कई अमीर खानदान के साहिबजादे हैं जिनके पास दौलत तो बहुत है पर उनका माइंडसेट बेहद गरीब है। दुनिया में सारा का सारा खेल एक शब्द का है, माइंडसेट। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफी नहीं है, एक रिच माइंडसेट उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोगों के पास बहुत दौलत थी लेकिन वो सिर्फ अपने पुअर माइंडसेट की वजह से गरीब हो गए। आपको याद होगा केबीसी का 2015 का वो एपिसोड जिसमें बिहार के सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीत गए और रातों रात करोड़पति बन गए, स्टार बन गए, लेकिन अगले कुछ सालों में उनकी हालत फिर से वही हो जाती है या शायद उससे भी ज्यादा खराब। वो बैंककरप्ट हो जाते हैं, इवन अपनी बीवी को तलाक देने तक की नौबत आ जाती है। आज की वीडियो में यह समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ पैसे होने से आप अमीर कभी नहीं होते, आपको रिच माइंडसेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपका माइंडसेट सच में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के आज 7 उन टॉपिक्स पर आपसे बात करना चाहता हूं जो किसी अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देते हैं। सबसे पहला कारण जो एक अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बना देता है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। मैं रिपीट करता हूं, कंटिन्यूअस लर्निंग। रिच माइंडसेट के लोग लगातार सीखने में विश्वास करते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि वो सब कुछ नहीं जानते पर सबसे कुछ ना कुछ जाना जा सकता है। मैंने अभी अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ $10,000 की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। साथियों, ये अमीर माइंडसेट के लोगों की फिलॉसफी है कि उनका पूरा जीवन सीखने में निकल जाता है, और पुअर माइंडसेट पीपल बिलीव दैट दे नो एवरीथिंग। पुअर माइंडसेट के लोगों को ये लगता है कि वो सब जानते हैं और बाकी लोगों को सुने बिना ही बता देंगे कि वो गलत है। इन लोगों को ना इनसे कामयाब लोग सिखा सकते हैं और कम कामयाब लोग तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के लोगों को जुदा करती है, और वो है सक्सेस ऑफ अदर्स। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताने वाला हूं, सक्सेस ऑफ अदर्स। रिच माइंडसेट के लोग दूसरों की सफलता पर जश्न मनाते हैं और अक्सर कंपटीशन के लोगों से भी उनकी बेहद तगड़ी दोस्ती होती है। वो जानते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन से ही सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मैदान के अंदर ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर वाज राइवल्स व्हेन दे यूज्ड टू प्ले, पर मैदान के बाहर दोनों की क्या शानदार दोस्ती है। अभी मैं बता दूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी हाल में ही एक पोस्ट किया अपने इंस्टा अकाउंट पर कि मेरा बेटा लियोनी मेसी के वीडियोस देखता है, जबकि प्रोफेशनली वो दोनों राइवल्स हैं, अलग अलग टीमों से खेलते हैं। पुअर माइंडसेट के लोगों की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। पुअर माइंडसेट के लोग ऑलवेज फील जेलस अबाउट द सक्सेस ऑफ अदर्स कि इसने ये कैसे कर दिया। उनकी आधी उम्र सिर्फ उनसे कामयाब लोगों की बुराइयां करने में निकल जाती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो रिच माइंडसेट के और पुअर माइंडसेट के लोगों को बिल्कुल जुदा करती है, कंफर्ट जोन। साथियों, कंफर्ट किल्स ऑल द ड्रीम्स। रिच माइंडसेट के लोग कभी अपने जीवन में कंफर्टेबल नहीं होते। एक लक्ष्य पूरा होते ही वे दूसरे बड़ा लक्ष्य अपने लिए बना लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
आज अनकंफर्टेबल होना जरूरी है ताकि बाकी बची जिंदगी कंफर्टेबल हो जाए। उनको पता है रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है और पानी की यही नियति है कि उसको सदा लगातार बहते रहना चाहिए। इसके विपरीत पुअर माइंडसेट के किसी भी कमजोर इंसान को एक आप अच्छा खाना और एक घटिया एंटरटेनमेंट दे दें तो आप देखेंगे उसके सारे एंबिशियस को उठाकर वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सपने जाते हैं और हमेशा के लिए मर जाते हैं। कहते हैं गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट, अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। अगर आप होंडा सिटी से संतुष्ट हो गए तो मर्सिडीज की बात कभी नहीं करेंगे। दोस्तों कंफर्ट एक ऐसी ड्रग है कि एक बार आप यूज्ड टू हुए ये हमेशा के लिए आपके लिए एडिक्शन बन जाता है। बात अगर गरीब और अमीर माइंडसेट की चल रही है तो यहां एक किताब जरूर पढ़ें। आपका माइंडसेट पुअर से रिच की तरफ ले जाने में ये मील का पत्थर साबित हो सकती है और मैं जानता हूं कि हर सफल व्यक्ति ने वो किताब कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर पढ़ी है, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। साथियों इसका सब्सक्रिप्शन 399 का है पर मेरा कोड सोनू 50 यूज करके आप इसको 199 में ले सकते हैं। ये ऑफर पहले 500 लोगों के लिए है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वापस ले जाता हूं आपको अपने टॉपिक पे और बताता हूं चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों को बिल्कुल जुदा करती है, ड्रीम्स ड्रिवन फिलॉसफी। जी हां मैं रिपीट करता हूं, ड्रीम्स ड्रिवन फिलॉसफी। रिच माइंडसेट के लोग ड्रीम्स ड्रिवन होते हैं, वो लगातार अपने सपनों का पीछा करते रहते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि दौलत कमाने की उनकी इच्छा है या इरादा, सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि दौलत कमाने की उनकी इच्छा है या इरादा, सुनने में साथियों दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं पर दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि जब वक्त आपके हिसाब से नहीं होता, जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो इच्छाएं मर जाती हैं, इरादे और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग सिचुएशंस ड्रिवन होते हैं, ड्रीम्स ड्रिवन नहीं। जब सिचुएशंस इनके हिसाब से होती हैं तो कड़ी मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही जिंदगी ने कोई चुनौती पेश करी, जैसे ही कोई सेटबैक लगा, जैसे ही जरा सी हवा गर्म हुई, जैसे ही जरा सा मौसम बदला, ये भी तुरंत बदल जाते हैं और वापस वहीं लौट जाते हैं जहां से सफर शुरू किया होता है। इनके सपनों को मारने के लिए सिर्फ एक छोटी सी हार ही काफी होती है। बात करता हूं पांचवें सिद्धांत की जो रिच माइंडसेट के लोगों को और पुअर माइंडसेट के लोगों को बिल्कुल भिन्न करती है। साथियों एक शब्द है बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम, एक शब्द है बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। और दोनों लोगों की फिलॉसफी, रिच माइंडसेट के लोगों की और पुअर माइंडसेट के लोगों की फिलॉसफी इस टॉपिक पे बिल्कुल जुदा है। पुअर माइंडसेट के लोगों को तुरंत सफलता चाहिए होती है, उनके लिए जिंदगी मैगी की तरह 2 मिनट में तैयार होनी चाहिए। वो बात अलग है कि मैगी भी 2 मिनट में तैयार नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्विट कर देते हैं, उनको सब कुछ तुरंत चाहिए, वो समय नहीं देना चाहते। उनका बस चले तो वे अपने बच्चे के लिए भी शायद 9 महीने का वेट करना पसंद नहीं करते। ऑन द अदर हैंड रिच माइंडसेट के लोगों को ये बात अच्छे से पता होती है कि ताजमहल बनाना है तो 20 साल देने होंगे। दे बिलीव दैट बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। यहां पर एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक महिला ने न्यूयॉर्क में पाब्लो पिकासो से मुलाकात करी। पाब्लो पिकासो जो दुनिया के महानतम पेंटर रहे, जैसे ही पाब्लो से वो मिली, वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने पाब्लो को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग बोला और कहा कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या आप मेरे लिए कुछ चित्रकारी कर सकते हैं, क्या मेरे लिए आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पाब्लो ने कहा व्हाई नॉट। तो वो लेडी भाग के गई, कहीं से एक पेपर और एक पेंसिल लाके दिया। तो पाब्लो पिकासो ने अगले 30 सेकंड में उस लेडी के लिए कुछ स्केच ड्रॉ किया और देखते ही देखते उसने हूबहू उस लेडी की तस्वीर उस कागज के ऊपर ड्रॉ कर दी और उसको एज अ गिफ्ट उस लेडी को वापस किया और उसको कहा कि मैम ये कम से कम 50 लाख रुपए की है। और उस औरत को विश्वास नहीं हुआ कि कैसे कोई आदमी 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है। वो गई एक ऐसी शॉप पर जहां एंटीक सामान बेचा और खरीदा जाता था और वहां पर जाकर उसने पता किया कि क्या ये पेंटिंग बिक सकती है, क्या ये कागज का पन्ना बिक सकता है। और जैसे ही उस दुकानदार ने उस कागज के पन्ने को देखा, उसने कहा मैम इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग, वी कैन गिव यू 50 लाख रुपीज, हम आपको इसके लिए 50 लाख रुपए दे सकते हैं। द लेडी वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड
उसको हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो पाब्लो पिकासो से दोबारा मिलना चाहती थी। और उसको पता चला कि 7 दिन के बाद किसी इनॉग्रेशन में वहां पर पाब्लो पिकासो पहुंचने वाले हैं। वहां पर पहुंची, टाइम लिया और देखी, पाब्लो पिकासो से मिली। उसने कहा, सर आपने मुझे पहचाना, 7 दिन पहले मैं आपसे मिली थी, आपने मुझे कुछ पिक्चर ड्राइंग करके दी थी, मेरी ही तस्वीर, वाकई में सर ये 50 लाख की है। तो पाब्लो ने कहा, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ही ड्रॉ करके दी थी। अब उस लेडी ने पाब्लो पिकासो से एक सवाल पूछा। उस लेडी ने कहा, सर आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ ₹50 लाख इन 30 सेकेंड्स। आई रिपीट, उस लेडी ने पाब्लो पिकासो से सवाल किया कि सर आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ ₹50 लाख इन 30 सेकेंड्स। पाब्लो रिप्लाइड, और ये रिप्लाई आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और रिच माइंड सेट के लोगों को ये रिप्लाई अच्छे से याद है। पाब्लो पिकासो ने कहा, लुक मैडम, इट टुक मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ ₹50 लाख इन 30 सेकेंड्स। मुझे 30 साल लग गए ये सीखते सीखते कि 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड में कैसे बनाई जाती है। अगर आप 30 साल देने को तैयार हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूं। साथियों, रिच माइंडसेट के लोगों को ये अच्छे से पता है कि बड़ी अचीवमेंट्स को करने में बड़ा समय लगता है। साथियों, अब मैं आपको वो छठा प्रिंसिपल बता दूं जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों को बिल्कुल भिन्न करता है। टीम, ध्यान से सुनिए, टीम वर्क। जी हां, रिच माइंडसेट अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट डू एवरीथिंग, they need a team. उनको पता होता है कि वो सब कुछ खुद नहीं कर सकते, उनको एक टीम की जरूरत है। Where together everyone achieve more. They always believe in collaborations. वो collaboration में believe करते हैं। पांचवी क्लास में पढ़ा था कि एक मजदूर एक दीवार 5 दिन में बनाता है, तो 5 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? बट ऑब्वियस है, जल्दी बनता है, टीम वर्क काम करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। साथियों, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद देखिए, कभी कभी 2-2, 3-3 साल में शानदार बनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। और कभी कभी अपने घर का कमरा बनाना हो तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, क्योंकि वहां आप अकेले लगे होते हैं। और पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि मुझे बस मेहनत करनी है, मैं इसे अब अकेले कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला सब पर भारी हूं, ऐसे डायलॉग ये बोलता है। साथियों, छोटी मोटी लड़ाइयां आप अकेले जीत सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध जीतना हो तो सेना चाहिए, और उसको बोलते हैं टीम वर्क। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैं आपको बता दूं जो अमीर को अमीर और गरीब को बेहद गरीब बनाता जा रहा है, और वो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। साथियों, इस टॉपिक पर ध्यान से नजर जमाए रखिए और सुनिए मुझे, मैं क्या कह रहा हूं। रिच माइंडसेट के लोग इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास करते हैं, पुअर माइंडसेट के लोग सेविंग्स। पुअर माइंडसेट के लोग बोलते हैं लेट्स सेव मनी, और रिच माइंडसेट के लोग बोलते हैं लेट्स मेक मनी। सारा का सारा खेल माइंडसेट का ही है। रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि पैसा बचा के नहीं बल्कि लगा के बढ़ता है। यहां आप कंफ्यूज ना हो, बचाना जरूरी है पर बचाते रहना नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा जरूरी है। साथियों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर आपको बैंक में पैसा जमा करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपसे चार्ज किया जाता है कि आप हमारे यहां पैसा क्यों रखने हैं, इन्वेस्ट करिए कहीं ना कहीं। साथियों, ये 7 प्रिंसिपल आपको बता पाएंगे कि आपका माइंडसेट एक रिच माइंडसेट है या एक पुअर माइंडसेट। आप सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। इन 7 प्रिंसिपल्स में से, 7 सिद्धांत में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़िए कुकू FM पर, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक अपने माइंडसेट को रिच की तरफ लेके जाइए। जय हिंद।